हेलो दोस्तों, टेक जिले चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ और ये जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आजकल हम लोग एक प्रॉब्लम से जो डिज़ाइनर हैं वो एक प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। जैसा कि कोई इमेज या जो व्हाट्सअप से हम लोगों की इमेज आती है कोई जैसे डिज़ाइन में लगाने के लिए, और उस व्हाट्सअप इमेज को हम लोग फोटोशॉप में अगर ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होती है, वो नहीं खुलती है। तो उस इमेज को व्हाट्सअप में कैसे ओपन करना है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब वो इमेज ओपन नहीं होती तो उसको जो है अपने पोरल में ले जाते हैं, फिर वहाँ पे वो एक्सपोर्ट करके उसकी इमेज बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको फोटोशॉप में ले जाकर उसमें एडिट करते हैं। लेकिन एक छोटा सा तरीका है, उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, और उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी व्हाट्सअप की कोई भी इमेज जो है वो फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी और आप उस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और काफ़ी समय के बाद आया हूँ तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आगे भी देख सकें। तो दोस्तों, चलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, और दोस्तों वीडियो ज़्यादा मेरी जो है शेयर करें, यही आप लोगों से गुजारिश है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप अपने WhatsApp से, जैसे कि आप सिस्टम में अपना WhatsApp डाले हुए हैं, और यहाँ से देखिए किस तरह से इमेज आती है, और इमेज को आप जो है पहले डाउनलोड करेंगे। इस तरह से आप कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जो है जब आप अपने उसको यहाँ से इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड हो गई और यहाँ से हम इसको कट करके जो है अपने डेस्कटॉप पर जो है पेस्ट कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसको फोटोशॉप में अपने ओपन करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये होता है, और ये जो इमेज होती है ये ओपन नहीं होती। कोई भी इमेज हम जो है इस तरह से व्हाट्सएप से डाउनलोड करते हैं और उसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे ये ओपन नहीं होती फोटोशॉप में, और फिर हमको एडिट करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो इमेज है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर इसको जो है हम राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद अब रोटेट काउंटर क्लॉक वाइज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम जो है क्लिक करेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसको रोटेट काउंटर क्लॉक वाइज को, और उसके बाद यहाँ पर इमेज देखिए आपकी रोटेट हो गई है, और फिर इसी को हम राइट क्लिक करेंगे इसको इमेज को, और यहाँ पर ऊपर रोटेट क्लॉक वाइज लिखा हुआ है इसको हम फिर से उसको उसके ऊपर वाले पर कर देंगे, और फिर इसको इस इमेज को जो है हम अपने फ़ोटोशॉप पे जाएंगे, और फ़ोटोशॉप पे जाने के बाद जो है ओपन करेंगे यहाँ पे इस तरह से। आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से हम ओपन करेंगे और ये आपकी इमेज ओपन हो गई। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सा तरीका है, मैंने बताया है, बहुत से लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो ये तरीका जो है ट्राई करें, और सारी इमेज आपकी फ़ोटोशॉप आपकी जो व्हाट्सअप की जो भी जितनी भी इमेज हैं वो सब इसके ऊपर ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी सा तरीका है मैंने जो बताया है, यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। रोटेट काउंटर क्लॉक वाइज पर जो है आप क्लिक करेंगे इस तरह से, इमेज रोटेट हो जाएगा, और फिर राइट क्लिक करके इसको रोटेट क्लॉक वाइज कर देंगे, और फिर आपकी इमेज ओपन हो जाएगी यहाँ से। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ, कुछ नया लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शब खैर। ओके दोस्तों, बाय।